नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। क्राइम ब्रांच पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले पर ही एसएसपी ने किया पलटवार, कहा कि अवैध खनन के पूरे नेटवर्क को ही ध्वस्त करने से खार खाए कारोबारियों की शह पर लगाया झूठा आरोप, जांच जारी। हर्षोल्लास के साथ भाजपाइयों ने मनाया देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93वां जन्मदिन। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद मेला व खेल महोत्सव का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर के उद्घाटन अवसर पर वक्ताओं ने इंसेफ्लाइटिस जागरूकता पर रखे विचार। और महानगर के सभी गिरजाघरों में हुई प्रभु यीशु के जन्म पर प्रार्थनाएं, लोगों ने एक दूसरे को कहा मैरी क्रिसमस। अब समाचार विस्तार से। पुरवा थाना के पहाड़पुर निवासी राहुल शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि उसे कुछ लोग क्राइम ब्रांच का बताकर जबरदस्ती बंधक बनाकर रखे रहे और 1.5 लाख रुपए की मांग करने लगे। इस मामले में सीओ क्राइम ने पत्रकारों को बताया कि इस संबंध में जांच चल रही है और मामला वो नहीं है जो बताया जा रहा है। पुलिस के बयान में आपने कहा है कि हमारा अपराधियों से संबंध है, क्या है किसी जानकारी? बात कराए थे ना, तभी तो बात की थी। जाने हुए व्यक्ति से कैसे बात करोगे आप? सर, ये लोग फोन से बात कराए उनसे, मतलब इससे पिस्टल माना जाए तो वाली से तो यानी आप जानते हो? सर जानते हैं, जानते हैं, मतलब अभी जान बस हमसे बात नहीं है। आप कौन बात कर रहे थे? आप कौन बात कर रहे थे? आपसे कहाँ बात कर रहे थे? कहाँ से? एक सिंह कुमार धारी। कहाँ से? गोरखपुर लाके? नहीं नहीं पुराने उर्वा पुराना थाने। अपना नाम बताओ। राहुल। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के? पहाड़ तो अभी ये तो मतलब जांच का विषय है ना, यानी दियारा के दोनों तरफ जांच है, दोनों तरफ जांच है, संदिग्ध मामला। सर सर सर, दियारा माने जाने लोगों से संपर्क है। आगे जब इस संबंध में गोरखपुर न्यूज ने एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज से बात किया तो उन्होंने बताया कि जेल भेजे गए अपराधी शिव कुमार डाढ़ी और रजनीश यादव के साथ संपर्क में आए राहुल शर्मा की गोपनीय जांच के लिए उरवा थाना में तैनात सिपाही सत्य प्रकाश राय को लगाया गया था। जांच के दौरान तब पता चला था कि छठ पूजा में आयोजित मूर्ति पूजा में राहुल शर्मा अपराधी शिव कुमार डाढ़ी के साथ सक्रिय था। इसी बात को संज्ञान में लेकर राहुल शर्मा बुलाया गया था, जिसके इस तथ्य को स्वीकारने के बाद उसे उसी दिन 3 घंटे के अंदर राहुल शर्मा को छोड़ भी दिया गया था। इस हिदायत के साथ कि वो शिव कुमार डाढ़ी और रजनीश यादव को पकड़वाने में पुलिस की यथासंभव मदद करेगा। उसके बाद अपराधियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बंधक बनाए जाने की बात को खारिज करते हुए कहा कि 2 माह पूर्व क्यों नहीं इस मामले को उठाया गया, बल्कि इसे सनसनी फैलाने के उद्देश्य से अवैध खनन के कारोबार में सक्रिय रिंकू मिश्रा और जुगनू दुबे की शह पर इसे गलत तरीके से उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अवैध खनन के कारोबार में लिप्त रिंकू मिश्रा और जुगनू दुबे के पूरे नेटवर्क को ही ध्वस्त कर दिया है। इसी चोट से खार खाए ये लोग 2 महीने बाद गलत तरीके से उभारने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच चल रही है, तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 2017 को 93 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था।
उनका व्यक्तित्व और उनकी बातें ऐसी थी कि ना सिर्फ समर्थक बल्कि उनके विरोधी भी तालियां बजाए बिना नहीं रहते थे। उनके जन्मदिन के अवसर पर महानगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ स्तर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा लाल डिग्गी पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्तियों ने वाजपेयी के चित्र के समक्ष केक काटकर एक दूसरे को खिलाया और बधाइयां दी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व महापौर अंजू चौधरी ने मलिन बस्ती में रहने वाले करीब 50 से ज़्यादा महिलाओं को अंगवस्त्र भेंट किया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की रंजना गुप्ता, निर्मला द्विवेदी, विनीता तिवारी, रेणु सिंह, मधुबाला गुप्ता, पद्मा गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इस मौके पर पूर्व महापौर अंजू चौधरी ने कहा कि अटल जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके राजनीति को नई दिशा दी है, जिनके पदचिन्हों पर चलकर हम सभी देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 93वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनके जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया। वहीं मोहरीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने केक काटते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को देश का एक यशस्वी प्रधानमंत्री बताया। इस मौके पर नगर विधायक ने कहा कि जब देश में कांग्रेस की नीतियों से लोग त्रस्त आ गए थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का प्रतिनिधित्व किया और पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण, जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकवादी घटनाओं को रोकने और देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ था। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, अटल बिहारी का मंडप सजाया है। क्या प्रोग्राम आयोजित किया? आप जानते हैं कि 25 दिसंबर हम लोग के लिए, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य अभिभावक जिसको कहा जाए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म आज के दिन ग्वालियर में हुआ था और आज से उनका 93वां जन्मदिन शुरू हो गया है। और हम लोग उसी खुशी के दिन, जो आज का दिन सबसे लंबा दिन माना जाता है, आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, उन्हीं का जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी महिला मोर्चा की सभी सदस्याएँ, हमारी पुरानी अध्यक्षाएँ, हमारी आगे आने वाली अध्यक्षाएँ और बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता सब एकत्रित हुए हैं। अटल बिहारी जी के बारे में हम लोगों ने यहाँ, हमारी बहुत सारी इस बंधे के किनारे की महिलाएं आई हुई हैं, उन लोगों को विशेष रूप से साड़ी और मिठाई वितरण करके कि उनका जन्मदिन मनाया गया। अटल जी की क्या क्या मंसूबा थी, किस तरह से, उनका एक बहुत ही फेमस कहावत था कि छोटे मन से कोई काम नहीं होता है, जो काम होता है वो बड़े मन से होता है, और टूटे हुए दिल से तो और भी कोई काम ही होता है। तो हम लोगों को बड़ा मन रखना चाहिए, बड़े टारगेट्स रखने चाहिए और हर काम पूरा करेंगे ऐसा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। और हमें बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी ठीक उन्हीं के बताए हुए पदचिन्हों पर चल रहे हैं, और जो हमारा क्वाड्रिल, जो गोल्डन क्वाड्रेंगल जिसको बोला जाता था, जिसकी वजह से आज इतनी सुविधा हो गई है कि दूर दराज तक आदमी बस से, ट्रक से, गाड़ी से, हर चीज़ से ट्रैवल कर सकता है। पूरा भारत को जोड़ने का जो काम था, उन्होंने सब नदियों को जोड़ने का काम अटल जी ने किया। इसी तरीके से महिलाओं का सम्मान, बेटियों का सम्मान, पढ़ाने का अभियान, ये सब अटल जी का शुरू किया हुआ। और मोदी जी, माननीय मोदी जी और योगी जी हम सब के लिए जो पूज्य हैं, उन्होंने ये सब काम किया, इसलिए आज बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे देश को और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
गुरु कृपा संस्थान के द्वारा आयोजित 11 दिवसीय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद मेला व खेल महोत्सव का पुरस्कार वितरण के साथ सोमवार को समापन हो गया। रामगढ़ताल निकट स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय सभागार में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर जोन मोहित अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा, डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, श्याम बिहारी अग्रवाल, ब्रजेश त्रिपाठी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान 11 दिनों तक आयोजित विविध प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि IG मोहित अग्रवाल ने संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आपके मन में ये विचार रोपा जा सके कि अपनी गुणता और सार्थकता तभी है जब ये विचार आज से 5 साल बाद 10 की आप अपनी जिंदगी में ऐसी कोशिश जरूर करेंगे। आज के सम्मान सादर आमंत्रित कर आज के श्याम बिहारी अग्रवाल जी इस कार्यक्रम के बटे न बच्चे महापत्र को अपने हाथों में ले लें। सामने देखो शर्मा जी ग्रुप फोटो के लिए पीछे थोड़ा हो जाए ना सरकार। अगर बात होती है तो डॉक्टर बिस्मिल जी इनका नाम जो है पंडित बिस्मिल जी का 6 क्लास से ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद जैसे जैसे 10th में आते हैं 12th में आते हैं तब भी जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते हैं क्रांतिकारियों की बात आती है तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम सबसे ऊपर आता है। अब इसके आपके योगदान के महत्व को आप इसी से समझ लीजिए कि इसके बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, उसमें भी राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो आपका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि बिना आपका नाम लिए हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात ही नहीं कर सकते कि आपने जो 1920 के दशक में जिस समय का माहौल पैदा किया और जो सरफरोशी की तमन्ना है हमारे दिल में, जो इस समय का जोश भरा हमारे यंग जनरेशन में उस समय, वही एक मैं मानता हूं जो एक रिवोल्यूशनरी हमारे यहाँ कहा जाता है क्रांतिकारी जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। दो मत के लोग माने जाते हैं हमारे यहाँ, एक गांधी जी टाइप के जो अहिंसा पर उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्होंने अपने तरीके से अंग्रेजों को कमजोर किया, और दूसरा तरीका आप लोगों ने अपनाया जिसके बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, चाहे काकोरी कांड हो, मैनपुरी की कॉन्स्पिरेसी हो, आपका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्रजेश जी ने कहा कि इतिहास बदलना चाहिए, ये लुटेरे नहीं थे, बिल्कुल सही कहा। जब भी आज के समय में भी जो कानून है, जब कोई क्राइम होता है तो हम लोग दो चीज देखते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या क्राइम किया है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या था। अब आपने जो भी काकोरी कांड हुआ वहां पर, जो भी खजाना वहां से लिया गया, उस खजाने को अपने घर के लिए उन्होंने नहीं लिया, वो खजाना देश की आजादी में स्वतंत्रता संग्राम को चलाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। दिग्विजय नाथ PG कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर के उद्घाटन अवसर पर सोमवार को कॉलेज परिसर में इनसेफ्लाइटिस जागरूकता अभियान व्याख्यान का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सीताराम जायसवाल, प्रोफेसर वीणा गोपाल मिश्र, कॉलेज के प्राचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. रविंद्र कुमार, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर शरद कुमार मिश्रा, डॉ. रविंद्र कुमार गंगवार, डॉ. कमलेश कुमार मौर्य सहित NSS के कई कैडेट मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके पश्चात छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य और इंसेफ्लाइटिस के प्रति जागरूक पर अपने विचार व्यक्त किए। और पुष्पांजलि द्वारा की जाती है। धरती अंबर के कम सारे जिससे डर के छट जाए, मैं सब सेवकाओं से अनुरोध करता हूँ कि वह अपनी शरण में हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। शिविर में आज हमारे बीच उपस्थित इस महानगर के प्रथम नागरिक जो युवाओं में देश प्रेम की भावना, सामाजिक कार्य की भावना, सामाजिकता की भावना, एक समूह में कार्य करने की भावना के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इस कार्यक्रम में आप पूरे साल भर में 120 घंटे सामान्य कार्यक्रम करते हैं, जिसमें विभिन्न इवेंट होते हैं, विभिन्न उसके एस्पेक्ट होते हैं। उसमें हम दूसरे की सेवा करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो देश के मुद्दे होते हैं, जो समाज के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को हम अपना मुख्य विषय बना करके और उस पर लोगों को जागरूक करते हैं, यथासंभव उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिन का एक विशेष सद्योषी शिविर भी आयोजित किया जाता है, और इस शिविर में रह करके हम स्वयं भी सीखते हैं कि किसी कार्य को एक समूह के साथ कैसे किया जाए। हम 24 घंटे एक साथ रह करके हम यह सीखने का प्रयास करते हैं कि एक साथ सामूहिक रूप में किसी भी सामाजिक कार्य को कैसे किया जाए। भारतीय समाज की जो विडंबना है, भारत दुनिया का एकमात्र इस तरह का देश रहा है जहाँ संयुक्त परिवार की संकल्पना पाई जाती है। विदेशों में या दुनिया के अन्य देशों में इस तरह की संकल्पना नहीं है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारत में भी वह जो इसकी धरोहर थी, वह संकल्पना धीरे धीरे टूटती जा रही है। हर परिवार विखंडित होता जा रहा है, एक एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है। इसलिए जो सामाजिक भावनाएं थी लोगों के बीच, जो समाज को एक समूह में बांधने की जो भावना थी, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। महानगर के अलग अलग चर्च में प्रभु यीशु के जन्म पर प्रार्थना की गई और लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां भी दी। सोमवार को प्रभु यीशु के दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा है। किसी ने बाइबल का पाठ किया तो किसी ने मोमबत्तियां जलाई। भक्ति भावना से ओतप्रोत ईसाई समुदाय के साथ साथ हर वर्ग और जाति के लोगों ने प्रभु यीशु के जन्मदिन को बड़े उत्साह के साथ मनाया और सभी ने एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहकर बधाइयां दी। तो
जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। क्राइम ब्रांच पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले पर ही एसएसपी ने किया पलटवार, कहा कि अवैध खनन के पूरे नेटवर्क को ही ध्वस्त करने से खार खाए कारोबारियों की शह पर लगाया झूठा आरोप, जांच जारी। हर्षोल्लास के साथ भाजपाइयों ने मनाया देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93वां जन्मदिन। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद मेला व खेल महोत्सव का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर के उद्घाटन अवसर पर वक्ताओं ने इंसेफ्लाइटिस जागरूकता पर रखे विचार। और महानगर के सभी गिरजाघरों में हुई प्रभु यीशु के जन्म पर प्रार्थनाएं, लोगों ने एक दूसरे को कहा मैरी क्रिसमस। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।